वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए आसान है एकदम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत है। क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। क्या बोल रहा है, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, जिस फिगर का सब भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो ठो वर्ग है कोई। अब ये जो भी वर्ग है, ये दोनों का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल। वैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि इसमें सब लाइन आपस में क्या होता है, बराबर। तो मान लीजिए इस लाइन का नाम भुजा रखेंगे, तो इस लाइन का भी नाम क्या रखना पड़ेगा, भुजा। और इसको गुणा कीजिएगा, दोनों को तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकाल करके जब जोड़ा गया है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो कितना आता है, 468 यानी 468 आता है इस दोनों का एरिया का योग। यानी सम ऑफ बोथ एरिया अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 468। अब कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप किसे कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सब हम मिटाते हैं, यहाँ पे ये फिगर हो गया और ये फिगर है। परिमाप कहते हैं, बाउंड्री समझते हैं, जितना दूर में बाउंड्री होगा सबको जोड़ दीजिए, वही परिमाप है। यानी ये वर्ग है, वर्ग में क्या है, मान लीजिए कि अगर 2 मीटर का होगा तो यह 2 मीटर होगा, ये हो 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो टोटल कितना होगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 8। 8 इसी को बोलते हैं परिमाप। यानी कि परिमाप, परि यानी प्रत्येक लाइन और माप यानी होता है मापना, प्रत्येक लाइन को माप करके जोड़ दीजिए, उसे क्या बोलते हैं, परिमाप। तो इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है, दोनों में कितना का अंतर है, 24 का अंतर है। इसका मतलब बड़ा छोटा होगा तबे ना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, परिमाप यहाँ पे 24 है। तो पहले एक काम करते हैं, लाइन कितना बड़ा है, हमको थोड़े पता है कि लाइन कितना बड़ा है, नहीं पता है, तो इसको क्या मानेंगे, एक्स। इस वर्ग में इसको क्या मान ले रहे हैं, वाई। एक ही जैसा नहीं मान सकते हैं, यहाँ मानते हैं, माना कि पहले वर्ग की एक भुजा, पहले वर्ग की एक भुजा क्या हो जाएगा, x। तो अब एक बात बताइए, जब ये भुजा x हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब बताइए, तो पहले वर्ग की भुजा x है तथा दूसरे वर्ग की भुजा ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये क्या होगा, y। तो ये भी क्या होगा, y। तो आप बताइए, भुजा तो पता चल गया और वर्ग का क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। तो पहले इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें, इसका भी, दोनों को योग करेंगे यानी जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 468, ठीक है। तो यहां देखिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा कितना है, एक्स का स्क्वायर, तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। बाबू पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये वाई का स्क्वायर, और दोनों का क्षेत्रफल हमको निकल गया, इसका आया है क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, इसका आया है वाई स्क्वायर, और दोनों के क्षेत्रफलों का योग दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 468। यहाँ लिखिए प्रश्न से, दोनों के क्षेत्रफलों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468 है। समीकरण इसको मान लीजिए एक। अब देखिए, अब क्या करें, उनके परिमापों का अंतर, जब ये लाइन एक्स है तो इसका परिमाप कितना होगा, इस फिगर का परिमाप, इसको अब हटा दें, इस फिगर का परिमाप कितना होगा, तो जब ये एक्स है ये सब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स। अब परिमाप क्या कहते हैं, सब लाइन को जोड़ दीजिए वही परिमाप है। तो एक्स एक एक्स, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल एक्स कितना हो गया, 4 × x है, तो यही है परिमाप, सबको जोड़ दिए, और ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4y, ठीक है। तो 4x हुआ और 4y हुआ, तो दोनों के यहाँ पे क्या है, उनके परिमापों, परिमाप यहाँ पे होगा, ठीक है, परिमाप, परिमापों का अंतर। अब देखिए, इसका परिमाप ये है और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 24, तो बस यही लिख दे रहे हैं, दोनों के परिमापों का अंतर कितना हो जा रहा है, 24। मतलब 4x में से 4y अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
24 आ रहा है, दोनों का परिमाप का अंतर कर दिए, दोनों में चार कॉमन मिल रहा है निकाल दो, तो x माइनस वाई बराबर बचेगा 24, कटा दो इसे, चार छक 24, x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। जब ये अब इसको फिगर को हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x का मान कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 6, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, ठीक है। आप चाहें तो इसको समीकरण दो भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमको समीकरण एक मिल गया है और ये क्या मिल गया है, दो मिल गया है। x का मान दिया है 6 प्लस वाई, ले जाके x के जगह पे यहाँ भर दीजिए समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या है समीकरण एक, समीकरण एक यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स एक्स कितना है 6 प्लस वाई, इसका क्या दे दिया है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। ए प्लस बी के दो होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है वाई प्लस 2ab, यहाँ से तोड़ दिया, बचा यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 का स्क्वायर 36 और वाई स्क्वायर 6 दुना हो जाएगा 12y, अब प्लस में वाई स्क्वायर 6 दुना 12 वाई है तो वाई रखेंगे 468। एक काम करते हैं, देखिए पूरे द्विघात समीकरण का एक रूल है कि सबसे पहले उसको एक समीकरण में बनाइए, द्विघात वाला समीकरण में इसको बना देना है, तो द्वि को दो ठो घात आ गया ना, जिसका पावर दो हो उसे द्विघात बोलते हैं, पावर तीन हो तो उसे त्रिघात बोलते हैं। तो द्विघात वाला समीकरण एक अच्छा से तैयार करके उसको फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसको हम लोग इधर ला सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस में वाई स्क्वायर, आई प्लस एन आएगा तो माइनस में 468, यहाँ कुछ नहीं तो हो जाएगा ये जीरो, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा से इसको सजा दें, पहले वाई स्क्वायर लिखते हैं, देखिएगा एक गो वाई स्क्वायर यहाँ पे, एक गो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, एक और एक दो होता है, दो गो वाई स्क्वायर हो गया, और उसके बाद से क्या है 12y, यहाँ पे है चार, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो बताइए माइनस में है प्लस में है तो घटाएंगे, एक जैसा सिंबल रहता है तब ना जोड़ते हैं, ये एक जैसा सिंबल नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर दें। अब देखिए 468 में से 36 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और ये बचेगा आपका 4, 432 बराबर में 0। ये ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पर, नहीं तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, सब में 2 का पहाड़ा मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें 2 का पहाड़ा में 6 बार में आएगा 6y, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा आपका 2 छक 12 बराबर में 0, ठीक है। ये बट्टा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, ये है गुणा में, जब जाएगा बट्टा में तो हो जाएगा 0/2, मिला जुला के कितना हो जाता है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब हमारा ओरिजिनल समीकरण यही बचा है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को किस पर तोड़ देना है, इसको फार्मूला पे तोड़ देना है। आपको अगर अच्छा लगे तो फार्मूला लगाइए, आप डी से बनाइए जो अच्छा लगे, वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। बताइए इसमें a बराबर क्या होगा, a बराबर यहाँ नंबर नहीं है, पहला वाला होता है a, कोई नंबर नहीं तो एक, b बराबर का होगा 6, और c बराबर का होगा तो c बराबर माइनस 216 होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब इतना पता चल गया तो x का फॉर्मूला लगा दीजिए, दो टो फॉर्मूला, या तो d का लगाइए, तो d का लगाने पर दो बार लगाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या लगाइए x का लगाइए, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखो, चाहे d बराबर फॉर्मूला हटा के लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, माइनस बी कितना है तो बी यहाँ पे देख सकते हैं, बी बराबर 6 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी कितना है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है तो ए यहाँ पे 1 है, और सी कितना है तो सी माइनस में 216 है, ठीक है, और बट्टा 2 और ए का वैल्यू है 1। इसको सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
आइए गुणा करो, छः चौका 24 की चार दो बचा, और ये चार एकम चार और कितना हो जाए, चार और दो छः हो जाएगा, और ये चार दूना आठ हो जाएगा, और बट्टा में ये दो हो गया, बट्टा में दो एकम दो। उसके बाद से यहाँ सिक्स है, सिक्स माइनस बी प्लस माइनस, 36 और ये 864 टोटल मिला के होता है 900 और बट्टा में दो। अब यहाँ पे तो सबको ही जानता है, एक बार प्लस लेंगे यानी प्लस को लेके सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, और ये प्लस 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 होता है, अब बट्टा में दो, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, 30 में से यहाँ पे क्या जाएगा 6 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 30 में से 6 जाएगा 24 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 12। x का मान कितना आया 12। अब जब x का मान 12 आया, अब फिर अब एक बार माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्या लेके सॉल्व करना पड़ेगा माइनस लेके, एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ x बराबर कितना आया 12 आया। अब हमको बात बताइए, जब x बराबर 12 आया ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग x क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर यहाँ x रहता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, हम उस समय से यहाँ x लिख रहे हैं, यहाँ पे है क्या y है, तो यहाँ किस चीज़ का फॉर्मूला होना चाहिए, y का होना चाहिए। अब इसके बाद से जब ये 12 आया, तो एक और हम लोग को क्या करना है, x यानी x नहीं बोलेंगे अब इसको, क्या कहेंगे, एक और हम x y का यहाँ पे निकल चुका है, x का मान निकाल लेते हैं ठीक है, y बराबर अगर 12 है, इसको एक बार हम मिटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखिए इस बार इसको देखिए y का मान ले जाके इसमें भर दीजिए समीकरण दो में, y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो दो क्या है x प्लस x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का मान कितना है 12, कितना हो जाएगा 6 प्लस 12, x बराबर हो जाएगा 12 और 6 18। अब बताइए कि जो वर्ग हम बनाए थे दो ढो, इसका नाम दिए थे x, इसका नाम दिए थे y, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आपका आया है 18, एगो का हो जाएगा 18 भुजा, और एगो का कितना हो जाएगा 12 भुजा ठीक है, तो यही वर्ग की भुजा आपको निकाल लिया गया, दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना था यानी साइड्स निकालना था, हमने निकाल लीजिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, तो फिर मिलेंगे हम लोग अब अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।